गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको अपोजिट वर्ड्स करवाऊंगी। अपोजिट वर्ड्स का मतलब होता है चिल्ड्रन विलोम शब्द। क्या होता है विलोम शब्द? जैसे कि हिंदी में हम पढ़ते हैं ऊपर, ऊपर का नीचे, या लड़का, लड़का का लड़की। तो ऐसे कुछ अपोजिट वर्ड्स होते हैं जो विपरीत शब्द भी बोले जाते हैं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं अपोजिट वर्ड्स। ओके चिल्ड्रन, अप, अप का होता है डाउन, यू पी अप, अप मतलब ऊपर, और डी ओ डब्ल्यू एन डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे। ओके, एफ ए टी फैट, फैट का अपोजिट होता है थिन, टी एच आई एन थिन, फैट मोटा, और थिन होता है पतला। बी आई जी बिग, बिग बहुत बड़ा होता है, और स्मॉल छोटा होता है। ओके, डब्ल्यू ई टी वेट, वेट गीला को बोलते हैं, जब कपड़े गीले होते हैं, पानी में भीगे होते हैं, उसको वेट बोलेंगे, और जब सूख जाते हैं उनको बोलते हैं ड्राई, डी आर वाई ड्राई। ओ यू टी एस आई डी ई आउटसाइड, आउटसाइड का होता है इनसाइड। आउटसाइड जैसे कोई घेरा बना हुआ है और उसके अंदर अगर कोई बैठा है तो इनसाइड, और बाहर है तो आउटसाइड। अंदर को बोलते हैं इनसाइड, हम कमरे के अंदर है तो इनसाइड, और कमरे के अगर बाहर होते हैं तो आउटसाइड। ओके, आर आई सी एच रिच, रिच मीन्स क्या होता है धनी, और पी ओ पी डबल ओ आर पुअर, पुअर मीन्स गरीब। धनी का विपरीत शब्द होता है गरीब, तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिच, रिच का पुअर। सी एल ई ए एन क्लीन, क्लीन साफ को बोलते हैं, डर्टी मीन्स गंदा, डी आई आर टी वाई डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा। एस ओ एफ टी सॉफ्ट, सॉफ्ट का अपोजिट वर्ड क्या होगा हार्ड। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए मेरे साथ, अप डाउन, फैट थिन, बिग स्मॉल, वेट ड्राई, आउटसाइड इनसाइड, रिच पुअर, क्लीन डर्टी, सॉफ्ट हार्ड। फेसबुक पर मेरी वीडियो देखते हो तो समृद्धि के नाम से है मेरा फेसबुक पेज, उसको आप फॉलो कर लीजिए। और यदि आप यूट्यूब पर देखते हो तो सक्षम स्टडी पॉइंट के नाम से मेरा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वो लाइक और शेयर तो करना ही है। ओके?